दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। देखिए, ये देश एक महामारी से लड़ रहा है। वो महामारी हम सबके लड़ने से ही, वो महामारी से हम बच पाएंगे, क्योंकि जो कोरोना वायरस का संक्रमण है उससे लड़ने के लिए हमारे डॉक्टर्स, हमारा प्रशासन, हमारी सरकार, हमारे पुलिस प्रशासन और हमारे ये स्वच्छता के सैनिक, क्योंकि अगर ये स्वच्छता के सैनिक रोज़ सुबह हमारे मोहल्लों की, गली की, कॉलोनी की सफाई ना करें, उनका फ्यूमिगेशन नहीं करें, सैनिटाइजेशन नहीं करें, तो यह संक्रमण एक बड़ा रूप ले सकता है। इस संक्रमण से बचने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपनी जान की परवाह किए बिना ये लोग रोज़ सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक अनवरत काम करते रहते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं, सफाई करते हैं, हमारे घरों का कचरा लेते हैं और अपने आप को भी बचाते हैं और पूरे अजमेर को बचाते हैं। केवल अजमेर ही नहीं, पूरे देश को बचाने में लगे हुए हैं, तो इनका सम्मान होना ज़रूरी है। इनका सम्मान हमारे मन से हो, क्योंकि हम घर में सुरक्षित हैं, रह रहे हैं, सुरक्षित हैं, तो वो उसमें बहुत बड़ा योगदान इन लोगों का है कि गंदगी नहीं फैलने दे रहे, कचरा नहीं फैलने दे रहे और हम लोगों का बचाव कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7800-46। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।